आज से लगभग 225 वर्ष पूर्व यूरोप के कुछ उत्साही इंजीनियरों ने इस बात की कल्पना की थी कि वे एक ऐसी गाड़ी का निर्माण करेंगे जिसे घोड़ों के स्थान पर मशीन द्वारा चलाया जा सकेगा। इसी दिशा में अनेक लोगों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। सर्वप्रथम वर्ष 1769 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना के एक इंजीनियर जिसका नाम था निकोलस जोसेफ कुग्रो, उसने भाप से चलने वाली एक गाड़ी का निर्माण किया। 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली यह एक तोप गाड़ी थी, लेकिन यह शोर करने के अलावा चिंगारी भी बहुत छोड़ती थी। इसमें घोड़ा गाड़ी से अधिक खर्च भी आता था। कुछ समय बाद इसका एक पहिया टूट गया जिससे यह उलट गई। यह गाड़ी अधिक उपयोगी नहीं थी, अतः इसे शस्त्रागार में डाल दिया गया। कुग्रो द्वारा बनाई गई दूसरी भाप गाड़ी अभी भी पेरिस के कला संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्ष 1770 से 1790 तक कईयों ने भाप से चलने वाला इंजन बनाया पर सभी असफल रहे। उसी में से एक ट्रेविथेक नामक इंजीनियर जो कोर्निस के था वह सड़क परिवहन के लिए एक शानदार इंजन गाड़ी बनाना चाहता था। वह 10 वर्षों तक इस प्रयास में लगा रहा और अंततः 1801 ईस्वी में उसे लोहे की एक बड़ी इंजन गाड़ी बनाने में सफलता मिली और सड़क पर परीक्षण में सफल रहा, क्योंकि उस समय लोहे की पटरियां नहीं थी। लेकिन जब यह सड़कों पर आग की चिंगारी छोड़ती हुई तेज आवाज करती भागी तो लोग इसे भूत समझकर अपने अपने घरों में दुबक गए। इस विश्व की प्रथम इंजन गाड़ी का नाम बफिंग डेवल यानी छुक छुक करने वाला शैतान रखा गया। आइए दिखाते हैं एक छोटा सा नमूना, इसे वैज्ञानिकों ने बाद में बनाकर दिखाने का प्रयास किया है। इसी दौरान एक बार ट्रेविथिक ने बॉक्सिंग डे पर अपने कुछ मित्रों को फाबिंग डेविल की सैर के लिए आमंत्रित किया, पर कुछ ही दूर दौड़ने के बाद अचानक इंजन के ना काम करने पर उसे चालू छोड़ दिया और एक रेस्टोरेंट में सभी खाना खाने लगे। इसी दौरान तीखी गंध फैल गई और गाड़ी का वायलर सूख गया और इंजन में आग लग गई। इस तरह इसका अंत हो गया। पर ट्रेविथिक बड़ा साहसी था, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने वर्ष 1803 में दूसरी भाप इंजन गाड़ी बनाई तथा उसे चलाकर कार्नवाल से लंदन तक ले गया। इस यात्रा में सड़क पर चलने के कारण इंजन का कचूमर निकल गया था। तभी ट्रेविथिक ने सोचा कि भाप इंजन गाड़ी को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता, अतः उसने पटरी पर चलने वाली दूसरी भाप गाड़ी इंजन तैयार की। गाड़ी तो तैयार हो गई लेकिन अब समस्या थी कि इसका परीक्षण कहाँ किया जाए, क्योंकि उस गाड़ी के लिए बहुत लंबी पटरियों की आवश्यकता थी। ट्रेविथिक ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। एक दिन उसे मालूम हुआ कि साउथ वेल्स में पेंटी डराना लोहा कारखाने की अपनी एक घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम है जो कौडिया तक जाती है। ट्रेविथिक ने लोहा कारखाने के मालिक से बात की तथा उन्होंने अपनी भाप इंजन गाड़ी परीक्षण के लिए राजी कर लिया। ट्रेविथिक की भाप इंजन गाड़ी को देखने के लिए काफी लोग एकत्रित हो गए थे। नियत समय पर भाप इंजन गाड़ी को पटरी पर लाया गया। ट्रेविथिक स्वयं इस गाड़ी को चला रहे थे। उसकी 5 डिब्बे वाली गाड़ी ने 10 टन लोहे और 70 सवारियों के साथ 10 मीली लंबी पटरियों की यात्रा 2 घंटे में पूरी कर ली। इस तरह ट्रेविथिक की भाप इंजन गाड़ी विश्व की प्रथम रेलगाड़ी बन गई। तब से लेकर आज तक रेलगाड़ियों में बदलाव होती रही है और आज की आधुनिक गाड़ियां तो आप देख ही रहे हैं कितनी बदलाव हो गई है और आगे चलकर इसमें और बदलाव होने वाले हैं। तो कैसी लगी है जानकारी जरूर कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।